आउट प्ले वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट. जब मैंने फोर प्ले की वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें बताया था कि सेक्स डजंट मीन्स ओनली इंटरकोर्स. इसमें फोर प्ले, इंटरकोर्स और आउटप्ले तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं सेक्स के. आज मैं बात करने वाली हूँ कि आउटप्ले क्या होता है, आउटप्ले में क्या करना चाहिए और आउटप्ले क्यों इंपॉर्टेंट है. क्यों डॉक्टर ने हमेशा बोलती हैं कि फोर प्ले और आउटप्ले दोनों बैलेंस तरीकों से करो अगर रिलेशनशिप को स्ट्रांग करना चाहते हो, तो इसके बारे में बात करेंगे. नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता. मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और पिछले काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ. अपनी हर वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश है कि आपकी जो परफॉर्मेंस रिलेटेड क्वेरीज हैं, जो भ्रम हैं, भ्रांतियाँ हैं, उन्हें दूर कर पाऊँ. और मुझे है आप मुझे इतना प्यार देते हैं, तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें. तो चलिए हम बात कर रहे थे दैट व्हाट इज आउटप्ले. सबसे पहले समझेंगे कि आउटप्ले क्या है. जब हम सेक्स परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जिसका आमूमन टाइम एक कपल में 13 से 14 मिनट 15 मिनट होना चाहिए, उसमें सिर्फ पेनिट्रेशन मतलब इंटरकोर्स 5 मिनट का होता है. और पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है फोरप्ले. फोरप्ले का मतलब है कि आप धीरे धीरे अपनी बॉडी को अराउज कर रहे हैं, इरेक्शन की तरफ जा रहे हैं और फील कर रहे हैं, आपका हॉर्मोन रिलीज हो रहा है. अब आप रेडी हो गए हैं, आपकी बॉडी गर्म हो रही है, यू आर रेडी टू डू इट. फिर हम बात करते हैं इंटरकोर्स की, जिसमें यूजली स्ट्रोक्स, पेनिट्रेशन या जो आप पैशनेट सेक्स करते हैं वो उसका पार्ट आ जाता है. और फिर आता है आउटप्ले, जो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है. आउटप्ले का मतलब है कि जब आप यूजली कम कर गए हैं, मतलब आप डिस्चार्ज कर गए हैं, आपका रिलीज हो गया है और आपको ऑर्गेज्म की प्राप्ति हो गई है, आप चरम सुख तक पहुंच गए हैं, उसके बाद का जो टाइम होता है. बहुत से कपल्स ऐसे हैं कि जैसे ही चरम सुख तक पहुंचते हैं या जैसे ही डिस्चार्ज हो जाता है तो वो फटाफट से अपने कपड़े पहन के गहरी नींद सो जाते हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल राइट. बहुत ज़रूरी है कि जब आपका डिस्चार्ज हो गया है, आप चरम सुख तक पहुंच गए हैं, तो एक दूसरे के साथ आउटप्ले करें. कैसे कर सकते हैं? एक दूसरे को बाहों में ले सकते हैं, फोरहेड किस कर सकते हैं, चीक्स पे किस कर सकते हैं, एक दूसरे को अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं कि आज मुझे बहुत अच्छा लगा, दिस वॉज द बेस्ट एवर, हम अगली बार टॉयस के साथ शुरू करेंगे या हम फिर से करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा, या फिर अब जब हम नेक्स्ट करेंगे या मैं दूसरे के लिए प्रिपेयर हूँ, लेट्स डू इट ट्वाइस और अब तुम ये लॉन्जरी पहन लो, या साथ में नहा सकते हैं, जैसे कभी कभार हम मॉर्निंग में करते हैं तो उसके बाद आप साथ में नहा सकते हो. साथ साथ ये ज़रूरी है कि जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप आउटप्ले के दौरान यूजली एक दूसरे को क्लोथ्स पहना सकते हैं, कपड़े पहना सकते हैं, एक दूसरे की तरफ मुंह करके सो सकते हैं, नेक को रब कर सकते हैं, या अगर आपने कहीं लव बाइट दिया है वहाँ पे किस कर सकते हैं, एनीथिंग. क्योंकि आउटप्ले इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो आपको ये फील कराता है कि जिसके साथ आपने सेक्स किया वो आपको पसंद करता है. जब आप सेक्स करते ही फटाफट दूसरी तरफ मुंह करके सो जाते हैं, या आपका डिस्चार्ज होते ही बस आपने फ़ोन काट दिया या फिर आप बात नहीं कर रहे, तो आपको ऐसा फीलिंग आता है कि सिर्फ शायद आप बने ही सेक्स के लिए हैं, उनका आपकी तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं है. इसलिए बहुत से रिलेशंस शादी से पहले इसलिए ही टूट जाते हैं, क्योंकि लड़कियों को सिर्फ यही फीलिंग आता है कि मैं तो बस सेक्स के लिए ही बनी हूँ. ऐसे में आप 2 मिनट अगर आप उनसे बात कर लें, उनको बता दें कि उनके साथ करके आपको कितना अच्छा महसूस हुआ या आज का परफॉर्मेंस कितना अच्छा था, तो लड़कों का भी बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ट्रस्ट की फीलिंग आती है और साथ साथ आपको महसूस होता है कि आप बहुत अच्छे हैं जो उनको इस फीलिंग तक लेकर गए हैं और वो सिर्फ आपके साथ ही करना चाहते हैं. अगर आप किसी के साथ एक अच्छा सेक्सुअल परफॉर्मेंस इंजॉय करते हैं, साथ साथ वो आपकी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जैसे आपकी वाइफ और आपके हस्बैंड, ऐसे में एक अच्छे सेक्सुअल परफॉर्मेंस के बाद अगर उनकी पीठ थपथपाई जाए या उन्हें बोला जाए कि बहुत अच्छा हुआ है या हम नेक्स्ट टाइम कैसा करना चाहते हैं, या यही बोल देना कि दिस वॉज द बेस्ट, दैट मेक्स द कॉन्फिडेंस वेरी हाई. एंड दैट्स वाई ऑलवेज से कि अगर आप कर रहे हैं तो आउट प्ले ज़रूर करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एट बात करने के बाद आप किस कर सकते हैं, फिंगर्स चला सकते हैं उनके बैक पे, कुछ भी, एनी थिंग विच यू फील दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑलवेज गो फॉर आउट. आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है, दैट हाउ आउट प्ले इज़ इम्पॉर्टेंट.
बने रहें, जुड़े रहें। बहुत जल्दी एक और वीडियो, और यस, इफ़ यू फील देयर इज समथिंग टू टॉक अबाउट, प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें और वहाँ पे अपनी क्वेरी लिखें। कोई और टॉपिक है मुझे बात करनी है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। साथ साथ मेरा नया चैनल साइकोलॉजी सीखो, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सी टिप्स आपको वहाँ मिलने वाली हैं। और अगर आप एक पर्सनलाइज सेशन बुक करना चाहते हैं तो www.drnehamehta.com। बने रहें, जुड़े रहें, सब्सक्राइब कीजिए।